तो ये आपका पार्ट 3 है, बस की यात्रा, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो वो जो पांचों दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से चलते हैं, फिर हमें आगे ट्रेन भी मिल जाएगी इसके लिए। तो फिर क्योंकि उन पांचों में से 2 को सुबह सुबह क्या अपनी काम पर भी जाना था, जॉब पर भी जाना था, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि यही इसी से चलते हैं, सुबह तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने बोला कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस बस से नहीं जाते हैं। तो उन लोगों ने पूछा, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा, नहीं, यह बस तो खुद डाकिन है। उन्हें बात समझ नहीं आई, लेकिन जब वो बस को देखा तो उनके अंदर से श्रद्धा उमड़ रही थी, सम्मान का भाव उमड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बस जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और उस पर इतने निशान थे कि लग रहे थे कि जैसे बहुत सदियों के अनुभव लेके चल रही हो। इसीलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत समय पुरानी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। इसीलिए लोग सोचते थे इसे कष्ट होगा। लोगों को लगता था कि ये बस सफ़र करने के लिए नहीं, पूजा करने के लायक है, इसीलिए उस पर कैसे सवार हो सकते हैं, यह लोगों का मानना था। आगे देखते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस प्रकार या इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो वो जो जिस बस में वो सफ़र करने जा रहे थे, उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। तो लेखक ने मजाक में उनसे पूछ लिया कि ये बस चलती भी है या नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि चलती है बस। तो उन्होंने कहा कि कैसे चलती है, हम भी यही देखना चाहते हैं। मतलब लेखक का कहने का मतलब था कि ये अपने आप चलेगी या फिर इसको धक्का देना पड़ेगा। तो लेकिन इसी बीच उनका जो डॉक्टर मित्र था, उन्होंने बोला, अरे डरो नहीं, इस बस को बहुत अनुभव है लोगों को यात्रा करवाने का, नई बसों से ज़्यादा हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, जैसे हम अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों पर विश्वास कर सकते हैं, उनका अनुभव इतना ज़्यादा होता है
कि वो हमें हर जगह सलाह दे सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर मित्र की बात सुनकर वो लोग उस बस में बैठ गए, क्योंकि उन्हें डॉक्टर मित्र ने कहा कि ये हमें बिल्कुल अपनी प्यार से गोद में लेकर चलेगी, जैसे हम इसके ही बैठे हों ऐसे चलेगी ये। तो वो लोग सब बैठ गए और जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे ये इनका अंतिम विदाई है यहाँ पे इनकी। और उनकी आंखें कह रही थी जन्म मृत्यु तो लगी रहती है, इस संसार में जो आया वो जाएगा भी सही, और चाहे वो राजा हो, रंग हो या भिखारी हो, वो तो बस एक बहाना चाहिए होता है इस दुनिया से जाने का उनको।